नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का हर अपडेट आप तक पहुंचाते आ रही है। तो अभी हम पूर्वांचल यूपी में मौजूद हैं और ये जो पूर्वांचल यूपी है, हर बार के मुख्यमंत्री तक का जो सफ़र होता है इसी रास्ते से गुजरता है, पूर्वांचल से होकर ही, क्योंकि देखा गया है कि विगत कई वर्षों से कभी अखिलेश का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जैसे 2017 विधानसभा चुनाव हुआ उसमें योगी बाबा का यहाँ पे दबदबा चला और ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है। लेकिन इस प्रकार के जाति समीकरण में बदलाव करके कुछ ना कुछ उलट फेर करने की कोशिश किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ताकतवर ये विपक्षी पार्टियां हो पाएगी तो समय ही बताएगा। आइए, हमारे साथ अभी एक मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इस बार टिकट के लिए दावेदार भी बताए जा रहे हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो ये बलिया जिला का जो बैरिया विधानसभा है वहाँ से ये चेयरमैन भी है इनके माता जी और उसके ये प्रतिनिधि भी हैं। तो हालांकि पार्टी को टिकट देना है, किसको टिकट देती पार्टी तो तय करेगी, लेकिन सारे कार्यकर्ता अपना अपना कोशिश कर रहे हैं कि टिकट हमको मिले, क्योंकि 5 साल से वो इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मंटन जी हमारे चैनल पर आपका। क्या लग रहा है कि सारे नेताओं के अंदर एक होड़ लग गया टिकट लेने का, टिकट मिलेगा आपको? पार्टी नेतृत्व तय करेगा, सब लोग लग रहा है कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट पार्टी नेतृत्व टिकट तय करेगी। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है यही उम्मीद से मेहनत करता है पार्टी में कि वो टिकट जरूर मिलेगा। आप भी इसी उम्मीद से पार्टी में ज्वाइन किए होंगे, इसी उम्मीद से पार्टी में होंगे कि जब उस योग्य हम हो जाएंगे तो टिकट हमको जरूर मिलेगा। क्या लग रहा है जिस योग्य होना चाहिए विधानसभा के लिए उस योग्य बन चुके हैं जी? क्योंकि देखा जाए आप 2 बार प्रधानी के चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं और वर्तमान में आपकी माता जी चेयरमैन भी है और आप उसके प्रतिनिधि भी हैं। जरूर पार्टी हमको योग सोच रही होगी तो पार्टी को टिकट जरूर देगी। एक चीज़ है कि हम लोग बात करेंगे आपके विधानसभा है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बुलेट के फॉर्म पर बड़े नेताओं से हम लोग करेंगे, लेकिन जो देखा जाए जमीनी हकीकत, क्योंकि हम लोग कल आपके विधानसभा में हम लोग भ्रमण किए और जो देहात का माहौल है वहाँ पे लोगों के अंदर काफ़ी नाराजगी है वर्तमान जो कैंडिडेट है आपके उनसे, सुरेंद्र नाथ सिंह से, तो क्या लग रहा है कि इसका मार कहीं बीजेपी को झेलना पड़े? नहीं नहीं, जो आम जनता मेरे मन्ने विधायक से नाराज है, कुछ उनकी गतिविधियाँ की वजह से नाराज है, कुछ उनकी भाषाओं से नाराज है, उसके लिए पार्टी तय कर लेगी कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। मगर आम जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, आम जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, केवल नाराज है कुछ लोग तो हमारे माननीय जी द्वारा नाराज है, पार्टी द्वारा कोई जनता नाराज नहीं है। एक चीज़ है कि देखा जाएगा जो बीजेपी पार्टी है हमेशा इसका बुनियादी जो ढांचा तैयार हुआ है युवाओं के बदौलत तैयार हुआ है, क्योंकि देखा जाएगा 80 एबव जितना भी युवा है सब बीजेपी को लाइक करते हैं, लेकिन इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं दिखाई दे रहा है नहीं नहीं कोई खतरा नहीं, शिक्षा की स्थिति हम लोग मजबूत है, 2 साल से शिक्षा बेहाल हुआ है। शिक्षा जब स्थिति है ऐसी है कोविड का, जिसमें हम लोग अगर बच्चों को मरने के लिए झोंक नहीं देंगे ना, अगर किसी बच्चे को कोविड काल में मृत्यु हो जाती है उसकी जिम्मेवारी कौन है? आप देख रहे हैं कितना कोविड बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें छोटे मासूम बच्चों को झोंक दिया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, मोबाइल पे पढ़ाई हो रहा है, सरकार इसकी व्यवस्था कर चुकी है और उसके बावजूद भी अगर कोविड काल में बच्चों को, छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को झोंक दिया जाए तो भविष्य भारत का क्या रहेगा? उसमें तो भारत भविष्य युवा, आज के देश में जो भारत युवा देश है वो तो कमज़ोर पड़ जाएगा आगे जाकर, ये सब मुद्दा देखते ही और देखते हुए बात किया जाए। तो काफ़ी आप युवा है, क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र का जो युवा है वो एक युवा को सपोर्ट कर पाएगा पार्टी से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर? अगर यहाँ हमको टिकट मिल जाए 90% युवा जात धर्म छोड़ कर साथ रहे, जात धर्म सब छोड़ कर साथ रहे, केवल विकास के नाम, आपने देखा होगा आए होंगे सर्वे किए होंगे बैरियम विकास दिखाई दिया, इनकार नहीं कर सकते बैरियम विकास नहीं हुआ। तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ना, किस बेस पर चुनाव लड़िए? जितना हमारी जो हमने जीता नगर पंचायत जीता, नगर पंचायत जितनी कैपेसिटी होती है जितनी दूरी होती है उसके अनुसार हमने वहाँ विकास कराया, और विधानसभा हम जीत रहे हैं तो पूरे विधानसभा का विकास करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो कौन सा मुद्दा लेकर चलिएगा जो पार्टी का विकास हुआ है 5 साल में उसको आगे बढ़ाइएगा, अगर जो आपके माध्यम से विकास हुआ उसको आगे बढ़ाइए? नहीं नहीं, पार्टी का भी रहेगा, जो हमने विकास कराया है वो भी रहेगा, आगे भविष्य में जो विकास कराना है वो भी मुद्दा है। यानी आप प्रधानी के नाते और चेयरमैन के नाते जो विकास किए हैं ये भी मुद्दा लग तो ये तो मुद्दा लग चलेंगे, क्योंकि जो बैरिया वो केंद्र है, सारे विधानसभाओं का केंद्र बैरिया है, हर ग्राम सभा के लोग, हर टोले चौहारा चौराहे के लोग बैरिया आते हैं, बैरिया आकर विकास देखे हैं, वो जानते हैं कि विकास होता है, ये व्यक्ति विकास कराता है, उसको उनको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमको विकास करना है,
वो जानते हैं पहले से कि विकास कराएगा। तो तीन टॉपिक है उस पर थोड़ा बात कर लीजिए आप। एक पहला हो गया कि गढ़ा मुक्त उत्तर प्रदेश, योगी जी का नारा था, और दूसरा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तीसरा एंटी रोमियो और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। ये सब चीज़ों पर कितना सरकार यहाँ पे खड़ा उतरी है? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, ये अभी मान रहे हैं, ये विपक्ष भी मानता है। खाई दे रहा है नहीं, नहीं कोई खतरा नहीं, शिक्षा की स्थिति हम लोग मजबूत है। दो साल से शिक्षा बेहाल हुआ है। शिक्षा जब स्थिति है ऐसी है कोविड काल, जिसमें हम लोग बच्चों को मरने के लिए झोंक नहीं देंगे ना। अगर कोई किसी बच्चे को कोविड काल में मृत्यु हो जाती है, उसकी बीमारी कौन है? आप देख रहे हैं कितना कोविड बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें छोटे मासूम बच्चों को झोंक दिया जाए। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, मोबाइल पर पढ़ाई हो रहा है, सरकार इसकी व्यवस्था कर चुकी है। और उसके बावजूद भी अगर कोविड काल में बच्चों को, छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को झोंक दिया जाए, तो भविष्य भारत का क्या रहेगा? उस समय तो भारत भविष्य युवा, आज के देश में जो भारत युवा देश है, वो तो कमज़ोर पड़ जाएगा आगे जाकर। ये सब मुद्दा देखते हैं और देखते हुए बात किया जाए। तो काफ़ी आप युवा है, क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र का जो युवा है वो एक युवा को सपोर्ट कर पाएगा पार्टी से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर? अगर यहाँ हमको टिकट मिल जाए 90% युवा जात धर्म छोड़ कर साथ, जात धर्म सब छोड़ कर साथ रहे, केवल विकास के नाम। आपने देखा होगा, आए होंगे सर्वे किए होंगे, बैरियम विकास दिखाई दिया, इनकार नहीं कर सकते बैरियम विकास नहीं हुआ। तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ना, किस बेस पर चुनाव लड़िए? जितना हमारी जो हमने जीता, नगर पंचायत जीता, नगर पंचायत जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी दूरी होती है, उसके अनुसार हमने वहाँ विकास कराया। और विधानसभा हम जीत रहे हैं, तो पूरे विधानसभा का विकास करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो कौन सा मुद्दा लेकर चलिएगा, जो पार्टी का विकास हुआ है 5 साल में उसको आगे बढ़ाइएगा, जो आपके माध्यम से विकास हुआ उसको आगे बढ़ाइए? नहीं नहीं, पार्टी का भी रहेगा, जो हमने विकास कराया है वो भी रहेगा, आगे भविष्य में जो विकास कराना है वो भी मुद्दा है। यानी आप प्रधानी के नाते और चेयरमैन के नाते जो विकास किए हैं ये भी मुद्दा लगे? तो ये तो मुद्दा लग चलेंगे, क्योंकि जो बैरिया है वो केंद्र है, सारे विधानसभाओं का केंद्र बैरिया है। हर ग्राम सभा के लोग, हर टोले चौहारा चौराहे के लोग बैरिया आते हैं, बैरिया आकर विकास देखे हैं, वो जानते हैं कि विकास होता है, ये व्यक्ति विकास कराता है। उसको उनको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमको विकास करना है, वो जानते हैं पहले से कि विकास कराएगा। तो तीन टॉपिक है उस पर थोड़ा बात कर लीजिए आप। एक पहला हो गया कि गढ़ा मुक्त उत्तर प्रदेश, योगी जी का नारा था, और दूसरा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तीसरा एंटी रोमियो और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। ये सब चीज़ों पर कितना सरकार यहाँ पे खड़ा उतरी है? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, ये अभी मान रहे हैं, ये विपक्ष भी मानता है, या कोई रंगदारी मांगेगा किसी व्यक्ति से, ये समस्या नहीं है। आज हमारी माताएं बहनें रात को 1 बजे या 12 बजे भी निकलने में संकोच नहीं रही है। ये योगी जी का, महाराज जी का दिन है, केवल महाराज जी का दिन है कि ये हमारी माताएं बहनें खुलकर आज रोड पर चल रही हैं। तो क्या अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन जाने से योगी बाबा का नैया पार लगेगा? नहीं, विकास भी हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि खाली अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है विकास नहीं हुआ है, विकास भी हुआ है। जितने तेजी से अपराध मुक्त भारत उत्तर प्रदेश हुआ, उतने तेजी से विकास भी हुआ मेरे अपने उत्तर प्रदेश में। तो गढ़ा मुक्त उत्तर प्रदेश, गढ़ा मुक्त भी हुआ है। ये बताइए, कोई सड़क अगर एक बार बनती है तो टूटती भी है, अगर सड़क कोई बन रही है वो टूटती भी है। अगर हमारे माननीय महाराज जी 5 साल पहले गढ़ा मुक्त किए थे, तो जो सड़क बनी है वो टूटेगी भी। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट, अगर बोल दिए महाराज जी तो 5-6 साल ही गड्ढा मुक्त रहेगा, जब बोले उस समय गड्ढा मुक्त हो गया, फिर सड़क बना, फिर टूटा, फिर बनेगा सड़क। तो चलिए, अच्छा बात, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप एक युवा है, युवाओं से आप क्या अपील कीजिएगा, जो आपके क्षेत्र के हैं, जाति मजहब से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बीजेपी पर हमेशा आरोप लगता है कि धर्मवाद करती है, धर्मवाद नहीं करती। आप क्या अपील करते हैं? छोड़िए पार्टी का, छोड़िए आप क्या अपील करते हैं? एक आपसे बता दें कि पार्टी से धर्मवाद नहीं करती है, पार्टी का नारा ही सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। तो हम युवाओं से यही अपील करेंगे, जो देश हित में सोचे, राष्ट्रहित में सोचे, उस पार्टी को वोट दे और उसको चुनाव जितवाएं, ना कि परिवारवाद में ही जीते। तो जैसा कि देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार वर्मा, अभी वर्तमान में ये जो विधानसभा यहाँ का चेयरमैन भी है, इनके माता जी, और उन्हीं के प्रतिनिधि हैं,
और इस बार ये विधानसभा के विधायक के टिकट के लिए दावेदार माने जा रहे हैं अपने क्षेत्र से, क्योंकि पार्टी के नाते जो भी इनका फर्ज बनता है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, और पार्टी को एक योग्य और एक नया चेहरा जो चाहिए तो इनसे अच्छा ऑप्शन बीजेपी के पास हो नहीं सकता है, खासकर इस क्षेत्र में। और जहाँ जनता के अंदर इतनी नाराजगी है यहाँ के स्थानीय विधायक से, वहाँ तो पार्टी टिकट निश्चित ही काटेगी, और काटेगी तो एक ऐसे चेहरे को लाना चाहेगी जो सबके दिलों में बसता हो, जो सबके समस्याओं को सुनता हो। तो कहीं ना कहीं आप बने रहिए हमारे साथ, और इस विधानसभा का हर एक अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे और जमीनी हकीकत आपको भी रूबरू हम कराते रहेंगे। तब तक के N20 लाइव बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को